हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीविजन एक्टर अंकित बथला के बारे में, जो टेलीविजन के मोस्ट पॉपुलर, हैंडसम और टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं, जो अभी तक कई सारे पॉपुलर टेलीविजन सीरियल्स का हिस्सा रह चुके हैं, जैसे कि बेटा ही चाहिए, थप की, प्यार की और भी कई सारे। और आपको बता दे, अंकित इंडस्ट्री में अपनी पॉपुलैरिटी अपने ही मेहनत और टैलेंट के बदौलत हासिल किए हैं। अंकित का और इनके फैमिली का टेलीविजन इंडस्ट्री और साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था। इसके बावजूद भी अंकित ने एक ख्वाब देखा एक्टर बनने का, और इन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दी, और नतीजा तो आज आप सबके सामने है। अंकित आज एक फेमस टेलीविजन एक्टर बन भी गए हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं अंकित के लाइफ से जुड़ी पूरी कहानी, साथ ही साथ इनके लव लाइफ से लेकर इनका अभी तक का जर्नी कैसा रहा। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे इस वीडियो पर एंड तक। अंकित बथला का जन्म 10 अक्टूबर 1988 को दिल्ली में हुआ था, और साल 2023 के हिसाब से ये हैं 35 इयर्स के। इनके फादर का नाम अनिल कुमार बथला है, वहीं इनकी मां का नाम मुग्धा बथला है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग एजुकेशन सेंट मार्क्स सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल दिल्ली से कंप्लीट किए हैं। इसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से कंप्लीट किए हैं। बात करें इनके अर्ली लाइफ की, तो अंकित बथला बचपन से ही एक्टिंग में काफी इंटरेस्ट लेते थे, और अपने स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट थे। इसके साथ साथ स्कूल में होने वाले सारे प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लिया करते थे। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी में कुछ टाइम तक काम भी किया था, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री में ले आई। कुछ टाइम तक इस कंपनी में काम करने के बाद अंकित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अंकित बचपन से ही एक्टिंग करना चाहते थे, जिसके बाद इन्होंने ये सब छोड़ छाड़ कर मुंबई चले गए अपने सपनों को पूरा करने। काफी लंबा टाइम स्ट्रगल करने के बाद इनको साल 2009 में डीडी नेशनल के शो सम्मान एक अधिकार में एक छोटे से रोल प्ले करने का मौका मिला। इसके बाद इनको साल 2010 में जीटीवी के सीरियल भागो वाली बांटे अपनी तकदीर में लीड कैरेक्टर प्ले करने के लिए कास्ट कर लिया गया, और इस सीरियल में इन्होंने अभिज्ञान के कैरेक्टर को प्ले किया था, जहाँ इनके ऑपोजिट थी निवेदिता तिवारी। इसके बाद ये लगातार कई सारे सीरियल्स में नजर आए, जैसे सहारा वन के सीरियल माता की चौकी, और इस सीरियल में इन्होंने अर्जुन के कैरेक्टर को प्ले किया था। इसके बाद ये कलर्स टीवी के पॉपुलर सीरियल हमारी सास लीला में आयुष के कैरेक्टर को प्ले किए थे। इनको पॉपुलैरिटी मिली साल 2013 में आई सीरियल बेटा ही चाहिए से। इस सीरियल में इन्होंने माधव के कैरेक्टर को प्ले किया था। इस सीरियल में काम करने के बाद अंकित को घर घर में पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद अंकित कई सारे पॉपुलर सीरियल्स में नजर आए, जैसे एक वीर की अरदास वीरा, तू सूरज मैं सांझ पियाजी, हार जीत, कृष्णा चली लंदन, हमारी सास लीला, माता की चौकी, नागिन और भी कई सारे। और करंटली ये टीवी शो घर एक मंदिर कृपा अग्रासन महाराज की में नजर आ रहे हैं। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ और अफेयर्स से जुड़ी, तो अंकित अनमैरिड हैं। बात करें इनके लव लाइफ और अफेयर्स की, तो इनका नाम कई सारी पॉपुलर एक्ट्रेस के साथ जुड़ चुका है, जैसे निवेदिता पाल, जिया मनिक और साथ ही साथ जिज्ञासा सिंह के साथ भी। और बात करें इनके करंट अफेयर्स की, तो आपको बता दे इन दिनों ये अपने लाइफ में सिंगल ही हैं। बात करें इनके इनकम की, तो इनका इनकम टेलीविजन सीरियल्स और ब्रांड प्रमोशन से होता है, और ये एक एपिसोड में काम करने के लिए लगभग 70,000 से लेकर 80,000 तक चार्ज करते हैं। बात करें इनके टोटल नेटवर्थ की, तो साल 2022 के हिसाब से इनका टोटल नेटवर्थ है लगभग 50 लाख रुपए। सो फ्रेंड्स, ये थी अंकित के लाइफ से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।